मैं तीन घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था, जिस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। तो अब मोदी सरकार से भिड़ने वाली है एक ऐसी महिला नेता, एक ऐसी महिला चेहरा जिससे अब राजनीति में उथल पुथल मचना तय है। और जो महिला नेता जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उनके साथ एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और इसका चुनावों पर कितना असर पड़ेगा, बीजेपी जो काम कर रही है क्या वो ये भूल रही है कि कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कई जगह उपचुनाव होने वाले हैं, इसका सत्ता पर कितना फर्क पड़ेगा, या फिर बीजेपी बस ये मानकर बैठी है कि हमें काम करने से मतलब है चाहे चुनाव में हार हो या जीत हो। तो क्या अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एक बड़ा मुद्दा जो कि आरक्षण को लेकर है जो खत्म किया गया, और इसमें हम देख रहे हैं कि दलितों के आवास के लिए मायावती अब मोदी जी से भिड़ती नजर आ रही है, वो कह रही है कि मोदी सरकार की नीतियां हिटलर नीतियां हैं, मोदी सरकार दलितों को दबा रही है, दलितों पर अत्याचार कर रही है, और कैसे आने वाले वक्त में मायावती विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर विपक्ष का बड़ा कुंभ जो है वो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में चर्चा बसपा प्रमुख मायावती। बसपा प्रमुख मायावती इन दिनों न सिर्फ अपने जनाधार को बचाने की कोशिश कर रही है बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि दलित वोट बैंक पर मायावती की नजर है। बैठे बिठाए उन्हें एक मुद्दा मिल गया है, आरक्षण का मुद्दा, जिसमें हमने ये देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया इस फैसले के बाद मायावती नाराज है। लेकिन अब मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले समय में मायावती किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ मिलकर तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली है। और मैं चाहूंगा जनता जो लोग मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, अपनी आवाज को जरूर रखें। दरअसल इस वक्त ये देखा जा रहा है कि जो हालात है वो बीजेपी, देखिए कहावत कही जाती है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लेकिन बीजेपी ने अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारा है। उन्हें ये नहीं पता कि जो काम किया गया है या जो बात सरकार बहुत पहले से कह रही थी इसका असर क्या पड़ेगा। दरअसल बहुत पहले से बीजेपी ये कह रही थी कि हम संविधान को बदल देंगे और संविधान बदलने की बात कही भी जा रही थी, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो हालात इस वक्त बने हैं, जो स्थितियां इस वक्त की बन रही है वो साफ तौर पर, वो जाहिर तौर पर ये बता रही है कि क्या अब मायावती भी है जो दलितों की आवाज उठाएंगे, क्या मायावती है जो पिछड़े वर्ग पिछड़े समाज के लोगों की आवाज को आगे लेकर जाएंगी और सीधे तौर पर अब देश में एक बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक और जहां हम देख रहे हैं कि उपचुनाव होने वाले हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो इसके अलावा 27 का विधानसभा चुनाव भी है और बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। देश भर में हम देख रहे हैं बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से नाराज है। उत्तर प्रदेश में सीएम कुर्सी की लड़ाई हम देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हैं। तो दूसरी तरफ की जो तस्वीर को हम देख रहे हैं वो भी ये साइड तौर पर बता रही है, वो ये साफ तौर पर बता रही है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां अब बीजेपी को आंख दिखा रही है। तो आने वाले वक्त में बीजेपी को नुकसान जरूर होगा, लेकिन कैसे अखिलेश मायावती की जोड़ी उत्तर प्रदेश से तो बीजेपी का सफाया करेगी और पूरा विपक्ष एक साथ होकर देश की बीजेपी को सफाई कर देगा, सफाया कर देगा, झाड़ू चल जाएगा, ये समझिए। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करना चाहती है चुनाव से पहले, और उनका लक्ष्य पहले दिन से रहा है कि समाजवादियों को कैसे बदनाम किया जाए और खासकर से के मुसलमानों को लेकर के उनकी जो सोच है वो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये सोचिए एक मुख्यमंत्री योगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई योगी अगर वो लोकतंत्र पर भरोसा नहीं करता है
और कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करता वो योगी नहीं हो सकता है। मैं तीन घटनाओं का उदाहरण देना चाहता हूं आपके सामने जी। पहली घटना हाथरस, जिसमें एक साधु संत के कार्यक्रम के लिए परमिशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेताओं ने लिखा था, लेकिन जो प्रशासन को काम करना चाहिए था उस जिम्मेदारी से सुरक्षा और उन चीजों का इंतजाम करना था वो नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। न केवल जान गई है, उनका नुकसान हुआ बड़े पैमाने पर। बहुत से लोगों का हाथ पैर या जो भी नुकसान हुआ उसका कोई मदद सरकार ने नहीं की। दूसरा, आपने देखा होगा गोमती नगर में, और जब मुख्यमंत्री ने सदन में ये कहा, सूची तो हालांकि बहुत लंबी थी, इसमें पुलिस का दोष कम है, पुलिस तो पूरी सूची दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री और सरकार वो ये चाहती है कि पुलिस भी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बन जाए। ये जो नए तरह का काम हो रहा है कि पुलिस को भी ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना रहे हैं। जब पुलिस ने सूची दी सब नामों की, तो आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों पढ़ा? और सच्चाई पुलिस भी जानती है कि जिसमें कि यादव का जिसका नाम लिया है, सुनने में आ रहा है कि वो फुटिंग में नहीं था, जो कैमरे की जो तस्वीर है उसमें नहीं है, वो कैमरे में नहीं था, क्योंकि वो चाय पीने गया था और पुलिस को यादव मिल गया इसलिए उसको जेल भेज दिया। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी। दरअसल पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण खत्म करके बीजेपी ने अपने लिए मुश्किलें मोल ले ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता ये भूल गए कि इनको वोट अडानी अंबानी नहीं देते, इनको वोट यही मुसलमान तबके के लोग देते हैं, दलित तबके के लोग देते हैं, पिछड़े समुदाय के लोग देते हैं, हम आप जैसे गरीब लोग देते हैं, और हम ही लोग हैं जो लाइनों पे लगते हैं, खड़े होते हैं, वोट डालते हैं, सरकार चुनते हैं। लेकिन जब हमारे आपके लिए सरकार कुछ कर ही नहीं रही, देश में जो पिछड़े समाज के लोग हैं, देश में जो दलित समाज के लोग हैं, उनको एक तरफ रखा जा रहा है, तो ये जाहिर तौर पर बताता है कि जब सरकार ने ये तय कर लिया कि हमें अडानी और अंबानी के साथ मिलकर काम करना है, उन्हीं को मालामाल करना है, तो देश की जनता भी गई और सरकार को साथ क्यों दे। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जहां ये बात निकलकर सामने आई है कि बीजेपी उपचुनाव हारने वाली है, बीजेपी को उपचुनाव में झटका लगेगा, लेकिन एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा कि अखिलेश यादव ने किस तरीके से बीजेपी को घेरा। देखिए ये रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। ये देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और कहावत कही जाती है जब भीड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है, क्या यही हालत है सत्ता पक्ष की? क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए।